अरे रुक जाओ माँ, हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक, माँ प्लीज, हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो वी हैड डिस्कस्ड सम थिंग्स एंड नाउ विल बी फोकसिंग ऑन, हमने माँ वीडियो बना रहे, रुक जाओ, वीडियो वीडियो 10 मिनट रुको, जल्दी से ख़त्म करते हैं। हेलो सो अरे तुम गरम कर दो, पीते हैं, कर दो, लास्ट है, लास्ट है, आज लास्ट, आज का लास्ट है, जल्दी जल्दी जल्दी, एक सेकेंड, कोई खत्म करना है, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। सो नाउ वी आर क्विकली कमिंग टू द इरिगेशन पार्ट, ठीक है, जो सेकेंड हमारा ये प्रॉब्लम है, सॉरी अपोलॉजी फॉर ऑल द डिले एंड ऑल द कंफ्यूजन। तो लेट्स बिगिन। तो इरिगेशन में हम जो देखते हैं कि क्रेडिट में जो इश्यूज हमने देखा था, वो क्रेडिट का देखा था हमने, वो लोन्स का देखा था, ये सब इश्यूज था इनकम टैक्स का। नाउ वी आर सीइंग इरिगेशन। इरिगेशन में प्रॉब्लम क्या है कि कहीं पे ज़्यादा पानी है, कहीं पे कम पानी है, वो तो नेचुरल स्पेशल वेरिएशन है। उसके बाद भी जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है। तो जैसे बिहार में एक जगह ड्राउट होता है तो एक जगह आपका फ्लड होता है, राइट, दोनों एक जगह हो सकता है। इल नीनो के कारण और भी डिफिकल्ट हो गया, मानसून अनप्रिडिक्टेबल है, एक वेरासिटी करके वर्ड होता है, आई थिंक वेरासिटी ऑफ मानसून या कुछ इस टाइप का वर्ड होता है, कि पीपल हु आर प्रिपेयरिंग एंड आर गुड इन इंग्लिश कैन हेल्प मी आउट। तो वैगरीज ऑफ मानसून या वेगारीज ऑफ मानसून पे वी कांट रिलाई, मानसून इज अनप्रिडिक्टेबल, उसके कारण इल नीनो ने और परेशान कर दिया है। इंडिया में जो इरिगेशन सिस्टम है दैट इज फ्लड इरिगेशन, उसके कारण और इशू है, माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकल्स एंड ड्रिप इरिगेशन, ये सब होना चाहिए, अदरवाइज सैलिनिटी विल इंक्रीज। यही क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में आया था, सैलिनिटी वाला, आपको याद होगा यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में कि सैलिनिटी इंक्रीज करेगा अगर आप फ्लडेड रखिएगा चीज़ों को। यहाँ क्या होता है, पानी मिला डाल दो पूरा खेत में, वैसे नहीं करना चाहिए, देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक वे, राइट। देन उसे प्रॉब्लम क्या होता है कि सॉइल भी गड़बड़ हो जाता है। और इरिगेशन में इश्यूज़ क्या है कि जिसके पास इरिगेशन नहीं है तो उसको हाई इनिशियल कॉस्ट है, और प्लस माइक्रो इरिगेशन में क्या क्या इश्यूज हैं। लाइक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो इरिगेशन इज द नीड ऑफ द टाइम, बट व्हाई माइक्रो इरिगेशन इज नॉट गेनिंग पॉपुलैरिटी, 10 मार्क्स का आजकल जो यूपीएससी पूछने लगा है एनावार्ड में। सो वैगरीज ऑफ द वेदर, सॉरी, वर्सलिटी ऑफ मानसून एंड वैगरीज ऑफ वेदर बोथ आर करेक्ट, थैंक्स हर्षिता एंड डिटरमाइंड एस्पिरेंट, गुड जॉब, बचा लिया आपने मुझे। सो माइक्रो इरिगेशन में प्रॉब्लम है कि उसका हाई इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्लस फर्टिलाइजर उसमें नीडेड, फर्टिलाइजर देखो फायदा ये है कि उसमें फर्टिलाइजर कम हो जरूरत पड़ेगा, देन देयर इज मोर यील्ड, देन देयर विल बी लेस इलेक्ट्रिसिटी, इट विल बी मोर सस्टेनेबल, बट इनिशियल कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी आप हमेशा एग्रीकल्चर में तीन चीज़ें लिख सकते हैं कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है, द नॉलेज लेवल, द अंडरस्टैंडिंग अमंग द फार्मर्स इज वेरी लेस, तो ये सब चीज़ लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, AIPB जो है एग्रीकल्चर वाला, जो एक रिलेटेड AIBP जो होता है, वाटर शेड डेवलपमेंट जो मनरेगा में बनवाया जा रहा है, मनरेगा में आप बनवा सकते हो, राइट, वाटर शेड, ये सब पॉइंट्स को आप कर सकते हैं, डिसिल्टिंग करवाया जा रहा है वाटर शेड जो भी बने हुए हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी यूज फ्रॉम प्रीलिम्स इन दिस। बजट 17 में जैसे नबार्ड के अंदर ही LTIF फंड बनाया गया था 20,000 करोड़ कॉर्पस का, माइक्रो इरीगेशन के लिए भी एक फंड बनाया गया था 5,000 करोड़ का, हर बार लिख सकते हो इसको, कोई भी एग्जाम में आप ये सब लिख सकते हो। नीति आयोग ने और क्या क्या बोला है, या इकोनॉमिक सर्वे ने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक अच्छा चीज़ है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पिछले साल ही आ गया GS1 में, राइट, पल्सेस की खेती करिए, माइक्रो इरिगेशन करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, नेशनल एजेंसी क्रिएट करिए जो कि एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए प्रॉब्लम है, वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए प्रॉब्लम है, एंड वाटर शेड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करवाइए। सो दीज आर द थिंग्स दैट देव बीन, आप अगर इसमें सिर्फ 20-30% भी रिटेन कर लेंगे तो आपको एग्जाम में अपने आंसर्स मिल जाएंगे। मुझे भी पूरा याद नहीं रहता था, एक बार जैसे देख लिया ये सब तो मुझे फिर याद रहेगा कि रिवर वाटर लिंकिंग में भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ अच्छाई हैं, साइड इफेक्ट में कि कई सारा कम्युनिटी डूब जाएगा, ऐसा कोई साइंटिफिक पता नहीं है कि लार्ज स्केल पे हो पाएगा इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर सक्सेसफुल कि नहीं हो पाएगा, ये एक पायलट प्लांट पे सोचा जा रहा है। इसके फायदे हैं कि इससे नेविगेशन बढ़ेगा, नाव कहीं भी चल सकता है, जो सदर्न रिवर्स हैं उसमें फ़ायदा होगा कि उनके पास जिनका पानी खत्म हो जाता है, प्लस सब जगह बोला जा रहा है कि इरीगेशन फैसिलिटीज होगा, लेकिन आपको पता होगा कि केन बेटवा जो टाइगर रिजर्व है वो डूब जाएगा, पन्ना टाइगर, केन बेटवा क्या बोल रहा हूँ, पन्ना टाइगर रिजर्व या कोई केन बेटवा आई थिंक, जो इन दोनों के बीच में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच वाला है। सो देयर आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ये कि काफ़ी सारा जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म है जो भी है उसको इधर से उधर रिलोकेट करना पड़ेगा, बहुत सारे जानवर मर भी सकते हैं, सो डिफरेंट थिंग्स आर देयर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू टेक कॉन्शियस एफर्ट कि हर छोटे पॉइंट्स के बारे में आप उसको डिटेल में सोचिए, ये आपका अपना जिम्मेदारी होगा, जो अच्छे से सोचेगा उसको नंबर आएगा, आंसर आएगा। सीड्स, अब सीड्स भी एक
इनपुट में ही आता है। तो सीड्स में बोला जा रहा है 100% ऑटोमेटिक एफडीआई करिए, सीड डेवलपमेंट करिए, और आपने क्या पढ़ा है कि सीड इंडिजीनियस सीड्स का होना चाहिए, हाइब्रिड सीड होना चाहिए, प्राइवेट को किसी भी चीज़ में आए तो आप बोल दो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, जीएम सीड्स की बात हो रही है, जीएम क्रॉप्स की बात हो रही है, ऐसे सीड्स को जो एक एक इस बार आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी दिया है ना सीड रिप्लेसमेंट रेशियो करके कि कितना आप अपना सीड बचा पाते हैं, कितना बार बार बाहर से ले रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो इंडिजीनियस सीड है जो आपने खेत में पैदा किया उसको बचाइए। देन फर्टिलाइजर्स, तो एनपीके फर्टिलाइजर जो होता है नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम है, पी फॉर फॉस्फोरस, एन फॉर नाइट्रोजन है, 4:2:1 के रेशियो में होता है, ये कमर्शियली प्रोड्यूस होता है। इंडिया में एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है, यूरिया यूज़ किया जाता है, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एक चीप एंड रेडीमेड सॉल्यूशन पाया गया था, बट दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, और क्यों प्रॉब्लम है इसमें, हमारा प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए हमारे जो माइंस हैं अपने घरेलू माइंस उसमें हमारे पास इतना है नहीं ये तीनों चीज़ें, हमारे पास फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है नहीं, नाइट्रोजन तो चलो गैसियस है, तो हमारे पास जब इतना है नहीं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है तो हम पे प्रेशर पड़ता है फिस्कल डेफिसिट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी सब होता है, वो भी फिर भी ठीक होता जब उसका यूज़ जो हम करना चाहते थे उसके लिए होता, पर उसको भी लोग इधर से उधर गायब कर देते हैं, गायब कर देते हैं, इसलिए नीम कोटिंग और ये सब चलने लगा है, समझे। यही सब आपको ध्यान देना है। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मृणाल सर के BES वीडियोस देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हर साल का इंपॉर्टेंट है, जब से गवर्नमेंट आई है तब से इकोनॉमिक सर्वे देखना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे खुद ही UPSC के सारे आंसर्स रखता है। चक्रव्यूह प्रॉब्लम, चक्रव्यूह प्रॉब्लम बोला गया है फर्टिलाइजर कंपनीज में, क्या प्रॉब्लम है फर्टिलाइजर, चक्रव्यूह का मतलब क्या होता है, किस महाभारत में एक चक्रव्यूह में फंस गए थे, कौन फंसा था महाभारत में चक्रव्यूह में, अर्जुन का कौन पुत्र था यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अगर किसी को याद हो तो, हु वॉज द, अश्वत्थामा, नहीं नहीं अश्वत्थामा नहीं था, याद आ जाएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे भी याद आ जाएगा, मैं भूल गया हूँ। तो चक्रव्यूह में फंस जाने का मतलब होता है कि आप इंटर तो कर गए इंडियन मार्केट में, बट आप एग्जिट नहीं कर पा रहे, एग्जिट प्रॉब्लम है इंडिया में, चक्रव्यूह प्रॉब्लम, कोई एग्जिट नहीं है। तो इतना सारा फर्टिलाइजर कंपनी है जो कि डूब रहा है, जो घटिया है, जिसका सस्टेनेंस नहीं है, फिर भी चले जा रहा है, समझ रहे हैं। सो दैट इज़ एन इशू, उसको ख़त्म करना जरूरी है, उसको एग्जिट को भी उतना ही आराम से होना चाहिए। देन सेकंड अभिमन्यु, यस अभिमन्यु से चक्रव्यूह प्रॉब्लम को जनरेट किया इन लोगों ने। फिर बायो फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम है, बायो फर्टिलाइजर होने चाहिए, बायो फर्टिलाइजर में एल्गी बैक्टीरिया वो सबका आपको अलग से एक जगह पे प्रोडक्शन कराना पड़ेगा, जैसे फिशिंग का होता है, मिशन फिंगरलिंग चलाया जा रहा है कि एक छोटे से एरिया में उसको प्रोड्यूस करवाया जाए, है कि नहीं, उसे सॉइल फर्टिलिटी। और यही क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन UPSC प्रीलिम्स। अगर मैं आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर बोस्टिंग एनीथिंग कि ये नोट्स मैंने तो कहीं और से ही नोट्स बनाया, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप प्रीलिम्स में भी डील कर लीजिएगा। आया है ना इस बार लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ज़्यादा रहेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी घटेगी या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी घटेगी, जबकि यहाँ पे साफ साफ मैंने एरो मार्क किया है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और पॉल्यूशन घटेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है एल्गी बैक्टीरिया, राइट। सो दो क्वेश्चन तो हमने डायरेक्ट देखा, सैलिनिटी वाला और ये वाला डायरेक्टली आया हुआ है। सो देयर विल बी क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड इफ यू हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देन फ्री मार्केट प्रिंसिपल होना चाहिए, DBT होना चाहिए सब्सिडी के, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, सब्सिडी में चोरी हो जाता है, DBT होगा तो एटलीस्ट चोरी नहीं होगा। तो ये हमने क्या क्या देख लिया, हमने क्रेडिट देख लिया, सेकंड में हमने इरिगेशन देख लिया, प्रॉब्लम इनपुट में, सीड्स देख लिया, फर्टिलाइजर देख लिया, कितना अच्छे से डिटेल्ड वे में बताया था मृणाल ने, जो मृणाल सर से हमने ये मतलब उनके वेबसाइट से मैंने ये जो बनाया है पूरा उसमें उन्होंने एकदम एक एक चीज़ को डिटेल्ड वे में बताया, दैट इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत मज़ा आया था इसमें। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड की इसके लिए कि भाई सॉइल हेल्थ कार्ड आपका लैंड का असेसमेंट होगा, उसके हिसाब से होगा कितना pH है, क्या पैरामीटर्स हैं, प्रोडक्टिविटी आप कैसा कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको एक सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा। फिर क्या बोला, DBT लाओ फर्टिलाइजर में भाई, आप नीम कोटेड यूरिया लाओ, इससे डाइवर्जन कमेगा, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन फिर से वही होगा, नाइट्रोजन का यूज़ इधर उधर कमेगा, तो फिर क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा आपको बताइए, फ़ायदा वही होगा कि फिर से आपका GDP लॉस नहीं होगा, ठीक है। फिर जॉइंट वेंचर होना चाहिए, नेचुरल गैस जो हेल्प और नेल्प और डेल्प जो चल रहा है ये सब क्यों चल रहा है, दीज आर ओनली वर्किंग की हाइड्रो, जो हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्शन की बात हो रही है या जो हम नया प्रोग्राम चलाएं इसलिए चलाएं कि जॉइंट वेंचर हो, पब्लिक पार्टनरशिप हो प्राइवेट के साथ, एंड ऑर्गेनिक मैन्योर की बात हो रही है कि ऑर्गेनिक जो है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर ये सबको बढ़ाइए, केंचुआ खाद को बढ़ाइए, गोबरधन है इस बार आप गोबरधन लिख सकते हैं, गल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक वाला जो आया है। सो टारगेट है कि भाई 1,000,000 ऑर्गेनिक कॉम्पोजिट पिट्स को बनाना। सो एनी नंबर इफ यू रिमेंबर इट इज वेरी गुड, एवर वॉट यू राइट नंबर्स विल डेफिनेटली गिव यू हायर क्रेडिबिलिटी, अदरवाइज आपको अगर पॉइंट समझ में आ गए कि ये इनपुट प्रॉब्लम से आउटपुट है तो भी अच्छा है।
देन वी कम टू पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड भी एक इनपुट है। इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच अपनाया जा रहा है कि भाई इंटीग्रेटेड है कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। पेस्टिसाइड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो केमिकल है, तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में अंतर है। पेस्टिसाइड का प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो केमिकल ही है, बट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि पेस्टिसाइड जिसको मारना होता है उसके जगह और जानवर को भी मार देता है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। पता चला मारने गए थे मच्छर, मर गया मच्छर मक्खी दोनों। तो ये पेस्टिसाइड का जेन्युइन प्रॉब्लम है, और प्लस पेस्टिसाइड का छिड़काव जो होता है हमारे तक भी पहुंच जाता है, तो हमारा फूड चेन में वो बढ़ के मल्टीप्लायर इफेक्ट करके हमें भी बीमार कर सकता है, राइट। ये एक पेस्ट पेस्ट वाला जीएम क्रॉप एक पंजाब में बीटी कॉटन पे आ गया था, बड़ा इशू आ गया था पिछले बार। देन फूड चेन का वही मैं बोला, फूड चेन में बैलेंस में और बढ़ते जाता है। इंडोसल्फान करके जो आया गया था कि ये इंटर कर गया एक बार पेस्टिसाइड, तो गड़बड़ है। देन लैंड का प्रॉब्लम ये हमने डिस्कस कर ही लिया, फ्रेगमेंटेशन है उसकी, कम प्रोडक्टिविटी है, पुअर टारगेटिंग है, सब्सिडी किसी को मिल जा रहा है, मिलना चाहिए छोटे को मिलता है बड़े को, रिलीफ इन डिजास्टर, कुछ बाढ़ आ गया, ले बाढ़ आ गया आपका, डूब गया आपका पूरा फसल डूब गया, सरकार बोल रही हम पैकेज लाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से फाइट कर रहा है कि हमें रिलीफ पैकेज दो, हमें तुम स्पेशल स्टेटस कैटेगरी दे दो, यही सब चल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं देख रहे जो प्राइमरी स्टेक होल्डर था, जो छोटा किसान था, उसका पूरा फसल लॉस हो गया है। तो हु विल बी बेसिकली ट्राइंग, हु विल एड्रेस देयर इशूज, सो दिस दीज आर द जनरल इशूज। तो सॉल्यूशन में वही है लैंड में, कि लैंड में ये भी प्रॉब्लम कि पूरा लैंड आपका बह गया डिजास्टर में, फ्लड व्लड में। सॉल्यूशन यही है कि लैंड का डिजिटलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, इसको याद कर जाइएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड एंड लैंड लीजिंग, दीज आर द टू सॉल्यूशन। आज के समय में जो नासा सैटेलाइट छोड़ रहा है, निसार, ये सब जो है अपने जो भी सैटेलाइट्स हैं नासा के, कुछ कुछ भुवन उवन है, तो इससे हमें ग्राउंड डेटा पता चलेगा, हमें लैंड डेटा पता चलेगा, हमें ICT की मदद से पता चलेगा, इससे लिटिगेशन इशूज। वो मैं गया तो कोई बोल दिया ये मेरा जमीन है, अरे भाई जमीन किसका है पहले यही नहीं पता चलता है। केस कोर्ट में केस चल रहा है, मान लीजिए एक छोटा सा जमीन है कोर्ट में, उसी का केस चल रहा है। अब अगर यार कोर्ट में उसी का केस चल रहा है तो जमीन में फसल क्या उपजेगा, 10 साल तक कोर्ट में केस चल रहा है। सो लिटिगेशन इशूज हैज टू गो डाउन, राइट। इनकम टैक्स मनी, अगर लैंड लॉन्ड्रिंग हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं लोग कि मेरा पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके पास डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है, तो लोग झूठ बोलते हैं मेरा लैंड होते हुए बताएंगे नहीं कि मेरा लैंड है, तो हमें लगता है किसान का लैंड है, एक्चुअली में कोई बड़े जमींदार का लैंड है और वो इनकम टैक्स भी पे नहीं कर रहा है। देन बेटर टारगेटिंग हो पाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में भी, अगर पता है कि हाँ इस किसान का और ये किसान पीड़ित है, और अगर सही में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लुक फॉर सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो वो किसान हो सकता है वो जमीन आपको दे दे गवर्नमेंट को, एंड टेक द मनी एंड ट्राई टू डू सम अदर प्रोफेशन। सो दिस विल बी हेल्पफुल, राइट, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, समझ में आ रहा है। देन वी कम टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फैसिलिटीज, वट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फैसिलिटीज। तो एग्रीकल्चर में जो मदद करते हैं, बेसिक एग्रीकल्चर तो हमारा हो गया ही है जो हमने देखा। अब जैसे ICT की मदद से क्या होता है, और एग्रीकल्चर को सिर्फ फार्मिंग मत सोचिए, एग्रीकल्चर में जो लाइफ स्टॉक जो होते हैं, जो हमारे पोल्ट्री हो गया, जो मेरे पिताजी डेयरी में थे, तो काऊ वाला हो गया, डेयरी डेवलपमेंट हो गया, ये सब सारा चीज़, जो फिशिंग हो गया, सब एग्रीकल्चर के एक्सटेंडेड फैमिली में आता है, ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। तो अभी एक्सटेंशन फैसिलिटीज़ का मतलब होता है एग्रीकल्चर एक तो कोर हो गया, एग्रीकल्चर एक कोर बनाइए एक एक्सटेंशन, सो यू कैन मेक दिस डायग्राम। आप एक डायग्राम बनाइए, अंदर में कोर दिखाइए कि कोर एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स एंड एक्सटेंशन एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि इंडिविजुअल काउंसलिंग की बात हो रही है, एक DD किसान करके चैनल लाया गया था, देन किसान विकास केंद्र बनाए जा रहे हैं, टोल फ्री हेल्पलाइन होता है, NGOs हैं, कई सारी चीज़ें कह सकते हैं आप, एक्सटेंशन वर्कर होता है, एक मैंने जो आपको बताया था एक दिन पहले जो इन्होंने सुना था न्याय मित्र वाला, उसी तरह से कृषि मित्र बना सकते हो, कृषि दूत बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, आप अपना भी सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हो। दिस इज वॉट आई ऑलवेज सजेस्ट यू, कि अपना बनाओ, अपना इनोवेट करो। आत्मा करके जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट एजेंसीज बनाई गई हैं, आर्या बोल रहे हैं कि यूथ को आप लाइए एग्रीकल्चर में, राइट। देन ग्रुप काउंसिलिंग है कि सेमिनार हो, किसान को उसी के लैंग्वेज में पता चले, आधा किसान को क्यों नहीं पता चलता है, उड़ीसा का किसान है भाई, उसको उड़िया समझ में आता है, तुम हिंदी और इंग्लिश में बताओगे तो उसको थोड़ी समझ में आएगा। तो ग्रुप काउंसिलिंग होना चाहिए, वहाँ पे वर्कशॉप होना चाहिए, सेमिनार होना चाहिए, पीपल शुड गो एंड होने चाहिए। मास मीडिया, TV, किसान TV जैसे मार्जिनल के लिए ठीक है, रेडियो इज अ वेरी गुड सोर्स, क्योंकि सब जगह लाइन नहीं होता पर रेडियो हर जगह होता है गाँव में, तो रेडियो बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो किसान TV के जैसा रेडियो पे भी एक होना चाहिए चैनल, या आप लिखेंगे तो ऑफकोर्स इसमें आपको एक ब्राउनी पॉइंट मिलेगा एग्जाम में, बिल्कुल मिलेगा, मैं मिस कर गया लिखना। देन कस्टमाइज्ड इन्फॉर्मेशन, वही मैं बोल रहा था, जिस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर किसान को हर रीजन में स्पेशली अलग अलग प्रॉब्लम्स है। एंड ई टेक्नोलॉजी लाइक ई कृषि विकास, जैसे M-Kisan SMS सर्विस आया है कि भाई कल बारिश होगी, कल नहीं होगी, इतना बारिश पड़ने वाला है, अभी आप फसल लगाइए, अभी आपको इतना MSP बदल दिया है, इतना मिलेगा पल्स के लिए, तो कुछ मैसेज देते रहेंगे अगर हम सरकार की तरफ से, तो किसान को फायदा होते रहेगा, ठीक है।
इकोनॉमिक सर्वे फिर क्या बोलता है कि स्किल इंडिया मिशन में एग्रीकल्चर स्किल को जोड़िए, स्किल इंडिया मिशन चला रहे हैं हम एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लास में कितने लोग किसान बनना चाहते हैं, उसी तरह से स्किल इंडिया में कितने लोग एग्रीकल्चरल स्किल्स को लेना चाहते हैं। तो अगर नहीं है तो इस एग्रीकल्चर में भी स्किल्स, लोगों क्या लगता है हाथ में ले लिया कुदाल और बन गए किसान, वैसे थोड़ी होता है। अब एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए कि ये फार्मिंग का अदर एलिमेंट भी है, लाइफ स्टॉक यही जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है, इन सब चीज़ों का विकास होना चाहिए। देन स्टेट गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली करना चाहिए, यूजीसी का जो एजुकेशन है उसको होना चाहिए, जो आईकार इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसमें प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। उसको जब तक आप मान लो उसमें जो रिसर्च कर रहे हैं रिसर्चर को आप 1 लाख रुपया देना शुरू करो, उसको फंडिंग दो ना, तब ना जाके कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा। मान लीजिए थर्ड क्लास कैंडिडेट वहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ अच्छा रिसर्च नहीं हो रहा है, तो अच्छे सीट्स क्यों नहीं बनाता है इंडिया इंडिजीनियस, अच्छे सीट्स क्यों नहीं बना पा रहा है। या जैसे हमारा जो गौरव करके जो है बुफेलो या अपना सिंधी रेड सिंधी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इस समय हम पीछे क्यों हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे नहीं है एग्रीकल्चर में, बहुत कम ही लोग हैं जो एग्रीकल्चर रिलेट करते हैं जो सब्जेक्ट ऑल्सो राइट। आईसीटी एंड मोबाइल का, जनधन का, जैम ट्रिनिटी आपने डेवलप किया, उससे चक्रव्यूह प्रॉब्लम को खत्म करिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए, लोकल पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करिए, जो हमारा पंचायती राज है उसको आप स्ट्रेंथन करिए, समझ रहे हैं ना। These general things will give you the answer and you don't need to remember everything. If you see this again and again 2-3 times, आपको वो natural लगने लगेगा। And then the beauty of these two notes है ना, मैं इन notes की काफ़ी तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि ये दो notes के बाद मैंने कभी agriculture और किसी source से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसको पढ़ लूँगा तो सारे input output इतना comprehensive है। And I think most of you who are watching will now be realizing कि बहुत सारे answers इसमें छुपे हुए हैं। Agricultural society बनाइए, कैसा बनाना है agricultural society, जैसा अपना ये बना है अमूल है, इस बार बोला जा रहा है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी अब एग्रीकल्चर के लिए भी बनना चाहिए, बजट में भी बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ अमूल मॉडल ये रेप्लिकेट होना चाहिए, ठीक है। नाउ इट इज ए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एक इंपॉर्टेंट टर्म था, उसको आप गूगल करके देख लीजिएगा। दूसरा एक प्रिसीजन फार्मिंग है, व्हाट इज प्रिसीजन फार्मिंग, ये वेस्टर्न में होता है, हो सकता है मुझे लगता है इस पे प्रीलिम्स में अगले साल क्वेश्चन आ जाए कि हाई टेक्नोलॉजी लाइक लेजर और सेल्फ प्रोपेल्ड स्प्रेयर्स, हाई स्किल एंड कैपिटल लगा के, हाई स्किल कैपिटल प्रोडक्टिविटी वाइज काफी हाई होता है, वैसे फार्मिंग को भी बढ़ाया जा रहा है बहुत जगह, समझे, प्रिसीजन काफी एक्यूरेसी के साथ फार्मिंग हो। देन एग्रीकल्चर का एजुकेशन, वही मैं जो बोल रहा था कि आप यूजीसी उसको मैनेज करें, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो, और इंस्टीट्यूट खुलें, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, नो मर्ज और इंस्टीट्यूट नहीं खुले हैं एक्चुअली, इसमें बोला गया है कि और इंस्टीट्यूट नहीं खोलिए, आपके पास जो पुराने हैं उसी को आप इंप्रूवमेंट करिए, ये नहीं कि 50 खोल दिए और आईआईटी का ऐसा हाल कर दिए कि अब आईआईटी का ही स्टेटस डाइल्यूट हो गया है। आप यूजीसी का मैन उसको इंप्रूवमेंट करिए, उसका क्वालिटी जो इनटेक है बच्चों का, हो सकता है उसको ज़्यादा सैलरी दीजिए, जो भी है आप वर्ल्ड क्लास लेवल पे उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए, राइट। फिर आपका फूड कॉरपोरेशन में क्या क्या चीज़ें बोली हैं इकोनॉमिक सर्वे ने, तो शांता कुमार रिपोर्ट, ये मैंने कोट किया था, शांता कुमार, मीना कुमारी कमिटी ऑन फिशिंग, शांता कुमार रिपोर्ट ऑन एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बूढ़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है फूड कॉरपोरेशन, 1965 में ये रिपोर्ट आया था कि ये सब करना होगा, कि भाई क्या क्या है इसमें, तो जो फूड कॉरपोरेशन है उसमें कई लोग हैं, तो वहाँ पर स्ट्रीमलाइन होने की जरूरत है, सैलरी स्ट्रक्चर को ये करिए, जो कि फिसल बटन नहीं होना चाहिए, अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो आउटडेट हो गया तो उसको खत्म करके नया ऑर्गेनाइजेशन लाइए, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करके एनएमसी ला रहे हैं वो लोग, ठीक है। फूड सिक्योरिटी जरूरी है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी यार भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और 3 को मीट करना, 1 को और 2 को, पॉवर्टी बहुत है, एबिलिटी हो, एमएसपी और सब्सिडी सही से हो रहा हो, अफोर्डेबल हो, उसके लिए क्या है, पहले तो अवेलेबल हो सब चीज़ें, तो एमएसपी किसान को मिलते रहे, सब्सिडी हो रहा है तो उसमें डीबीटी मिलते रहे, भाव अंतर भाव योजना होते रहे, बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है यार। देन अफोर्डेबल होना चाहिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी का TDPS जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, न्यूट्रिशनल फूड की बात होनी चाहिए, जो बायो फोर्टिफिकेशन हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाइए, मिड डे मील जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को जो मिलता है गाँव में, स्टेबिलिटी होना चाहिए, हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा बफर कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा, जब तक हम बफर कैपेसिटी डेवलप नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं होगा, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन क्या क्या कहाँ क्या करता है आप एक बार नोट देखते रहिए, प्रोक्योरमेंट में इश्यूज हैं, स्टोरेज में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, हम लोग डिस्कस किए थे ये वाला। प्रोक्योरमेंट में है कि यार फार्मर इंक्लूजन, एक आप बहुत बड़ा और बहुत सिंपल चीज़ लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, मैं बताऊंगा जब मैं अपने मेंस के पिलर्स रिलीज करूंगा, किसी भी क्वेश्चन में मैं लिखता था सबसे बड़ा इशू तो है डेटा इशू है, कि हमारे पास डेटा सही है कि नहीं है, हम बोल रहे हैं कि इसके पॉवर्टी एलिवेट कर देंगे, किसके लिए करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर तो बहुत बड़ा है, SECC डेटा इज नॉट सफिशियंट,
एसईसीसी किसने दिया था, मैं ही उसको रट के बैठा हुआ था एक एक टाइम तक। हासिम एंड सक्सेना ने एसईसीसी किया था 2011 में, हासिम एंड सक्सेना कमेटी। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर बहुत बड़ा है, जो किसान को मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है, जो किसान को नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है, समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा इशू है और उसके लिए आपको आउटसोर्स करिए प्रोक्योरमेंट को, आपसे नहीं हो पा रहा है। FCI मान लीजिए लुढ़क गया है तो आउटसोर्सिंग करो, ओपन एंडेड रखो कि वहां पे आके किसान कर सकता है। DBT लाओ उसमें कि आप जितना हुआ हुआ, आपने किसी भी थर्ड पार्टी को भी बेच दिया तो आपको DBT के हिसाब से पैसा मिल जाएगा वापस, जो एक्स्ट्रा जो आपका छूटा हुआ है, भावांतर योजना बेसिकली। वेयर हाउस का रिसिप्ट मिलना चाहिए कि जो ऑथराइजेशन होना चाहिए, बेसिकली स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। अभी बेचारा किसान को कुछ नहीं मिलता है, ना कोई रिसिप्ट मिलता है कि वो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रिसिप्ट, तो ये सब होने चाहिए। देन वी कम टू द स्टोरेज कैपेसिटी, PPP मॉडल होना चाहिए, आउटसोर्स इसमें भी कर दो, जो नहीं आ रहा है तुम आउटसोर्स करने का कोशिश करो, प्राइवेट को लेके आओ, ओपन मार्केट लिक्विडेशन जो हमने पढ़ा था वो, ये OMSS करो, इतना स्टोरेज कैपेसिटी ने तो बेचो ना भाई, है कि नहीं? बेचोगे, अगर आप बेचोगे तो आपका स्टोरेज का ओवर कैपेसिटी अंडर कैपेसिटी का इशू भी फेस नहीं करना पड़ेगा। देन सिलोज इन द प्लेस ऑफ गोडाउंस, जो किसी ने डिटरमाइंड एस्पिरेंट ने पहले भी डाला था कि सिलोज होना चाहिए गोडाउंस में, के जगह अच्छे अच्छे सिलोज क्रिएट किए जाएं। जैसे मेरे पापा काम करते थे डेयरी में, तो मैं देखता था डेयरी में पास्चराइजेशन होता है, तो दूध के लिए जब दूध देने आया किसान तो उसका क्वालिटी चेक होना चाहिए प्रॉपर, वहाँ पे फिर जाके आपका उसको स्टोरेज के लिए होना चाहिए। ईद में, ईद जैसे कल ईद है राइट, कई जगह सेवई बनेगा, सबको पहले ईद मुबारक मैं पहले ही कह देता हूँ, या अलग से एक वीडियो में कह दूंगा। सो बेसिकली अल्टीमेटली द मेन थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। जब जरूरत पड़ेगी दूध की तो दूध फट नहीं जाना चाहिए, वरना दूध फट जाता है आधा टाइम, राइट? दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत लीकेज है भाई, ट्रांसपोर्टेशन में लीकेज है, कंटेनर में कोई चुरा लेता है, कुछ भी हो रहा है। इनलैंड इनलैंड वाटरवेज नहीं है हमारे पास, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। रोडवे से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रेन से आप देखते हैं अमूल की, कभी कभी आप दूध वाला देखोगे कि NDD भी लिखा रहता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की दूध जा रही है, NDRI से जा रही है करनाल से। सो देर आर लॉट ऑफ इशूज़, कम्प्लीट देर आर लॉट ऑफ इशूज़। देन डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्यूटर रिकॉर्ड्स नहीं है, 6 मंथ के, मतलब बहुत सारा इशू है यार। डायरेक्ट कैश टू द, समझ रहे ना, GST अब एक नया आने वाला है, तो GST में किस तरह से इसको आउट रखा जाएगा, इन रखा जाएगा, फूड मटेरियल है क्या होगा, ईवे बिल में इसको ठीक से रखा जाए, मेनी थिंग्स आर देयर। देन स्टोरेज में नॉर्थ ईस्टर्न कश्मीर में बैड वेदर रहता है, वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आते रहता है, मैंने बोला ना नॉर्थ ईस्टर्न कश्मीर पे स्पेशल फोकस रखिए। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी साइंटिफिकली कैलकुलेट करिए कि किसको इतना मिलना चाहिए, वही साइंटिफिक कैलकुलेशन होना चाहिए कि कौन उसको एक्चुअली में डिजर्व करता है, उसको कितना क्वांटिटी मिल रहा है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास 5 मेगा मिलियन टन का है कि नहीं, NFSA के हिसाब से हमारे को 61 MMT का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, मैं भूल गया हूँ। देन फॉरेक्स इंपोर्ट में है कि फॉरेक्स हमारा बहुत पैसा जाता है राइट, हम जो इंपोर्ट करते हैं, तो हम इतना इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, अगर हम अपना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, साइंटिफिकली कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा फॉरेक्स का जो पैसा जाता है वो भी बचेगा, समझे? और डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी है, डायरेक्ट कैश टू द लेडी का क्या मतलब होता है कि जो बेचारा, ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर इम्प्रूव होगा तो जो आदमी खुद से इतना, मैंने जो आपको एक नहीं बताया था, एक ही जगह पे सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज होगा तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आदमी आ भी रहा है, आदमी वहाँ से घर भी लौट रहा है, आप वहाँ से NFSA के लिए दे भी रहे हैं फूड, काफ़ी नाइंसाफी है, ये बहुत गड़बड़ है। देन फोर्कलिफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुअल, ये तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है। DBT तो मैंने बता ही दिया आपको कि DBT होना चाहिए, UID होना चाहिए, आधार हो गया तो जनधन अकाउंट होना चाहिए। जैसे लैंड डिजिटलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, जैसे आधार से हम लोग का बना लिया गया, वैसे लैंड का एक पर्टिकुलर बनना चाहिए कि ये लैंड इसका है, ये लैंड इसका है, ठीक है? फिर जनधन अकाउंट का यूज़ करिए आप, जैम ट्रिनिटी का मोबाइल का यूज़ करिए। देन कि और लेडी लोग, जैसे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को देखते हुए कि लेडी लोग को प्रोत्साहन देना चाहिए कि जो भी है, मान लीजिए लेडीज़ वर्क कर रही हैं तो उनको अलग से मिलेगा। कई लोग एग्रीकल्चर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लाइक दूध वाला हो गया, या ये सब चीज़ें हो गई, लाइक वीविंग भी हो गया, कॉटन से, कॉटन प्रोड्यूस से जो होता है, या हम लोग ये देखते हैं टेक्सटाइल में जो लोग रिलेटेड हैं तो उसको भी प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मलबरी हो गया, सिल्क वर्म्स हो गया, हनी भी हो गया, ये सब चीज़ें भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में आती हैं, तो इन सब के लिए भी आपके पास स्कीम्स होने चाहिए। आप इंटेंसिव केयर में डालिए, आप कोई भी आंसर में नहीं समझ आ रहा तो आप लिखिए कि मिशन मोड में चलाना चाहिए, मिशन मोड में होना चाहिए, इंटेंसिव केयर यूनिट के जैसा चलाना चाहिए। ये सब एक तरह से क्या है, बीमारू सेक्टर है, ये मैं लिखता था, ये एक जगह मैंने अच्छा पढ़ा था। दीज आर, सो MMT का फुल फॉर्म डिटरमाइंड एस्पिरेंट ने हमें बता दिया है, थैंक यू सो मच। मिलियन मेट्रिक टन होता है, ठीक है? सो जैसे ये बीमारू सेक्टर है एग्रीकल्चर, तो बीमारू सेक्टर को ठीक करने के लिए हमको ऑपरेट करना
पड़ेगा। मैंने देखा था आईएएस बाबा में एक लाइन था, वी नीड टू ऑपरेट दिस सेक्टर। तो हार्श मतलब समटाइम्स इंपॉर्टेंट ऑपरेट करने के लिए आपको डॉक्टर्स भेजने होंगे, तो आपके पास डॉक्टर्स का यहाँ क्या मतलब है, एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो आप भेजिए, आप उनको टाइमली भेजिए, आप उनको इन्फॉर्मेशन डेसिमिनेशन होना चाहिए, मिशन मोड पर चलना चाहिए। दीज आर जेनरिक पॉइंट, यू कैन राइट इन एनी आंसर इन एनी कंक्लूजन। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बताऊँ, यही सब मैं लिखता था सब में। अब सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये होता है। क्यों होता है ये सब, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सॉइल डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, हम फार्मिंग किए और हमने छोड़ दिया खुला तो सॉइल डिग्रेड कर दिया, हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर लिया तो सॉइल डिग्रेड कर दिया, हमने बहुत सारा पेड़ काट दिया उसके कारण भी सॉइल डिग्रेडेशन है, हमने पूरा इरीगेशन में पूरा फ्लड इरीगेशन कर दिया तो सॉइल डिग्रेडेशन हो गया। देयर कैन बी सिमिलर, सॉइल इरोजन भी हो रहा है और सॉइल डिग्रेड भी कर रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्योर यूज नहीं कर रहे हम। सो समवेयर हाउ टू यू प्रोटेक्ट इट, कॉन्टोर फ्लोइंग करना चाहिए जिससे वाटर फ्लो कम है, टेरेस कल्टिवेशन जो हिमालय में किया जाता है, शेल्टर बेल्ट बनाइए कि ट्री बीच बीच में ट्री के बेल्ट होने चाहिए वरना विंड पूरा सॉइल को लेते चला जाएगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग करिए कि जिससे कि ग्रासेस होना चाहिए बीच बीच में, स्ट्रिप क्रॉपिंग के कुछ ग्रासेस फिर छोड़िए फिर ग्रासेस, या तो ट्री या तो ग्रासेस करिए ताकि विंड स्पीड घटे अल्टीमेटली, ठीक है। और इंडिया को क्या जरूरत है, मैकेनाइजेशन ऑफ इंडिया, मशीनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों एम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अभी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है एग्रीकल्चर में, 10 लोग की जरूरत है 15 लोग करते हैं, 15 लोग आधा टाइम पे जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कम जाता है तो उस समय वो लोग रहते भी नहीं है, राइट, मतलब उस समय वो एम्प्लॉयड भी नहीं रहते हैं। फिर मनरेगा में भी लैक ऑफ द वर्कर्स हो चुका है, ये भी इशूज है, चैलेंजेज है कि ये सब यूएस में तो अच्छा चल गया है पर इंडिया के लिए इतना बड़ा कंट्री है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग चैलेंजेज हैं, आप उसको कैसे कैटर करोगे, कस्टमाइज कैसे करोगे, मेक इन इंडिया मिशन मतलब कैसे आप करोगे, समझ रहे हो ना। नंबर टू की तो इसका सॉल्यूशन यही है कि कस्टमाइजेशन होना चाहिए, कि मेक इन इंडिया में एग्रीकल्चर पर भी बहुत फोकस होना चाहिए, जैसा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए करना चाह रहे हैं सिमिलरली आई वुड से कि एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट दीजिए, उन्नत भारत अभियान पढ़ रहे थे हम लोग प्रीलिम्स में, राइट, उन्नत भारत अभियान फॉर आईआईटी और जो एनआईटी ये लोग चला रहे थे, ये सब रूरल आर्या यही सब एंटरप्रेनर ये सब को लाना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआईएससीपी जो हमने एक बार पढ़ा भी था, मैंने पढ़ा है ये आरआईएससीपीसी जो होता है कि इंश्योरेंस मिलना चाहिए, जो प्रधानमंत्री एक तो कृषि विकास योजना था और एक ये था कि इंश्योरेंस कवर 2% जो होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, समझ रहे हैं ना, लॉसेस बहुत हो जाता है, लॉसेस हो जाता है तो उसका कवरेज बहुत दिक्कत हो जाता है, उसके कारण 10 बिलियन लॉस है, उससे 1% 2% जीडीपी ग्रोथ कम जाता है। राबी में कितना है, 1.5, खारीफ में 2 है, कॉमर्शियल क्रॉप्स में इतना है। स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली प्रॉब्लम ये क्या हो गया है कि ये योजना तो सही से चलता फसल बीमा योजना, पर अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट को देना है, अभी स्टेट गवर्नमेंट सही टाइम पे प्रीमियम नहीं पे कर रही है, तो ये योजना समझ में आता है, प्रधानमंत्री जो पढ़ते हैं फसल बीमा योजना, ये योजना है क्या, बहुत कम ही लोगों को समझ में आता है, मुझे भी बहुत दिन तक समझ नहीं आता था, मैं बस रट के बैठ गया था कि 1.5% 2% और ये योजना ये है कि मान लीजिए एक किसान है उसका फसल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो जाएगा, ठीक है, वो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसको बस 1.5% प्रीमियम पे करते रहना है इंश्योरेंस कंपनी को और उसका पूरा इंश्योर्ड रहेगा फार्मिंग। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी तो ठहरा इंश्योरेंस कंपनी, वो इतना कम पे क्यों देगा, तो बाकी इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि तुम मुझे 10% प्रीमियम दो इसके लिए, तो बाकी प्रीमियम कौन भरेगा, स्टेट गवर्नमेंट भरेगा 8.5%। स्टेट गवर्नमेंट का लॉसेस को कौन कैटर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो 10% मान लीजिए प्रीमियम है, 2% खरीफ क्रॉप पे किसान देगा, 8% स्टेट गवर्नमेंट देगा। एक तरह से ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जैसा ही है कि आप इतना ही बस पे करिए, लेकिन आप इतना तो पे करिए, ये तो सरकार कहता ही है, ठीक है। फिर नीति आयोग आ गए, तो किसी कुछ नहीं समझ में आए तो एक अपने से बना दो कि नीति आयोग हैज डन सम, नीति आयोग लास्ट ईयर हैड डन सम सर्वे एंड कम आउट विथ दिस इंडेक्स। नीति आयोग इतना इंडेक्स लाता है दुनिया जहान का भरा बड़ा कि आप आराम से लिख सकते हैं विदाउट लॉस एंड विदाउट अ फियर कि नीति आयोग ये इंडेक्स लेके आए हैं कि फार्मिंग पर उन्होंने न्यू फार्मिंग इंडेक्स नीति आयोग है लॉन्च, या दे शुड बी लॉन्चिंग ए पोटेंशियल न्यू फार्मिंग इंडेक्स, या वी शुड हैव ए होलिस्टिक फार्मिंग प्रोजेक्ट एज, इस टाइप से कर सकते हैं आप, ठीक है। सो उन्होंने बोला है कि फार्मर्स का बिगर कैप होना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, फिर डीबीटी वही, फिर कंपनी का कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्राइवेट प्राइवेट और एक कंपनी आ रहा है, व्हेन वन कंपनी इज ओनली कमिंग तब तो वो क्या करेगा, वो लूट लेगा, तो कम से कम कंपटीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। क्रॉप के मॉडल्स को देखने चाहिए, जो हमने बोला था कि काउंटर साइक्लिंग क्रॉप
साइक्लिक जो सोइंग होता है उसकी जगह काउंटर साइक्लिक क्रॉपिंग को इनकरेज करना चाहिए कि साइकिल के उल्टा होना चाहिए क्रॉपिंग, स्टेबल क्रॉपिंग पैटर्न्स होगा। ऐसा नहीं कि जो खेती हो रहा है वही खेती हमें करना चाहिए, राइट। मतलब जो प्रोड्यूसर है, आप देखना ये सब का मीनिंग देख लेना खुद से, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इल नीनो और लालीना को बचने से भी कुछ कुछ बोला है इन लोगों ने। जीएम क्रॉप क्या है आज के टाइम का? जीएम क्रॉप पे भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, नबार्ड से लेके आरबीआई से लेके सब में। जीएम क्रॉप क्या है? हाइब्रिड क्रॉप है, क्रॉस ब्रीडिंग है। जीएम क्रॉप क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए है भाई, क्या है वो बेसिकली? तो हाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मिक्सिंग ऑफ द डीएनए ऑफ द प्लांट्स विद द नेचुरल ऑर्गेनिज्म, कि जो भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म से उसके डीएनए को मिक्स करता है। आई थिंक इस बार जीएम क्रॉप पे भी एक सवाल आया था, आप यहाँ देखोगे तो आपको उसका भी सॉल्यूशन दिख जाएगा। तो जीएम क्रॉप बेसिकली हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आई केयर कर रहा है आई थिंक। सो न्यूट्रिशनल वैल्यू से बढ़ेगा बोला जा रहा है, मेच्योरिटी करेगा, जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्रॉप, इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक लाइक टॉलनेस, ड्वार्फ, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, शेल्फ लाइफ बढ़ेगा जिससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कमेगा एंड रेसिस्ट कर पाएगा बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन को। मतलब एक तरह से तंदुरुस्त क्रॉप हम डेवलप करेंगे, अगर एक वर्ड बोले तो तंदुरुस्त बच्चा जो होता है उस तरह से एक तंदुरुस्त और बढ़िया बच्चा बनाने की कोशिश है जीएम क्रॉप से, फसल जो हो बढ़िया फसल हो। पर उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। अब ये यही तंदुरुस्ती को आप अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, आपको आंसर रटना नहीं होता है क्या? तो तंदुरुस्ती कब दिखाएगा? जब बेसिकली जब जन्म रहा होगा तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा उस राइस में, चावल के दाने में, वो कंडीशंस को, पेस्ट को ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, वो आंधी तूफान को रेसिस्ट करेगा, उसका डिजायर्ड क्वालिटी अच्छा होगा, वो जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगा, उससे एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, और फिर फाइनली जब वो प्रोड्यूस होगा तो ऐसा नहीं कि तुरंत ख़राब हो जाएगा, पेरिशेबल नहीं होगा इतना जल्दी, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होगा, टिकाऊ एंड तंदुरुस्त रहना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ स्टार्ट होने से पहले तो क्रिटिसिज्म होता ही है। अभी तक तो बीटी ब्रिंजल को भी लाइसेंस नहीं मिला है, सिर्फ बीटी कॉटन हुआ है जिसको मिला है, बाकी सब तो एक्सपेरिमेंट में चल रहा है, जीईएससी में चला रहे हैं, ठीक है। एमओईएफसीसी के अंडर आता है जीईएससी, देख लेना फुल फॉर्म अगर आपको याद नहीं है तो, 1996 और 2002 प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट में आता है। सो इसमें प्रॉब्लम यह है कि यार बहुत जगह इसको बैन किया गया है। जीएम क्रॉप कहीं कहीं तो अच्छा चलता है, मेज वेज के लिए चलाया जाता है, जैसे स्टेपल कंट्रीज में चल रहा है, अर्जेंटीना ये सब में, लेकिन बहुत जगह बैन कर दिया है। तो इस पे बायो सेफ्टी का इशू है कि हम पहले तो यार कोई भी चीज़ को आप बायो सेफ्टी एंगल से देखिए कि सॉइल का बैक्टीरिया भी मर जाएगा, ह्यूमन में भी प्रॉब्लम होगा, इको सिस्टम पर इम्पैक्ट कर सकता है, जो हमारा इंडिजीनियस इको सिस्टम है, पता चला जो फसल हम उगाते थे उपजाते थे वही फसल खत्म हो गया, समझे। उसके बाद हाँ, तो स्पर्श ने सही दिया है, जीईएससी का फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, भूल जाता हूँ यार, याद नहीं रहता आजकल इतना, थैंक यू सो मच। फिर बायोपायरेसी आ जाएगा, बायोपायरेसी का क्या मतलब है कि मल्टीनेशनल्स को ये डर है। एक तो देखो, एक ये प्रॉब्लम है कि जो मल्टीनेशनल वो चाहते हैं, अगर कोई किसी को कंपनी का नाम याद है तो लिख सकता है, मोनसेंटो और ये सब था आई थिंक, याद नहीं आ रहा, 2-1 साल पूरा हो गया, तो मोनसेंटो और ये सब बहुत महंगा महंगा क्रॉप मतलब रखता है जीएम, तो ये लोग का कंट्रोल हो जाएगा, ये लोग मोनोपोलाइज कर लेंगे, सबको जीएम कराने लगेंगे। फिर वही एक ये भी इशू चल रहा है कि बायो प्रॉफिटरिंग का इशू चल रहा है। ये क्या है कि अभी क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है कि अगर जीएम क्रॉप्स आता है तो ये लोग क्या करते हैं, टर्मिनेटर जीन्स के बनाते हैं। व्हाट इज टर्मिनेटर जीन्स? आप एक बार प्रोड्यूस कर लिए ना उससे क्रॉप, उसके बाद आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाइएगा, खत्म हो जाएगा वो, उससे ना कोई बीज होगा ना कुछ होगा। आपने जीएम क्रॉप वाला बीज डाला, उससे एक बार प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद कभी कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा उससे, तो फिर से आपको नया बीज खरीदना पड़ेगा, तो नया बीज खरीदना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा, तो इनका पूरा मोनोपोली हो जाएगा। बायो पायरेसी का ये मतलब है कि मल्टीनेशनल कह रहे हैं कि हमारे यहाँ निरमा के जगह डिरमा आ जाएगा, उसी तरह हम कोई क्रॉप बनाएंगे उसके जगह घटिया क्रॉप लेते आएंगे लोग, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोबस्ट फ्रेमवर्क बनाने के लिए जीईएससी पे प्रेशर है एंड दे आर कमिंग अप विथ इट। तो प्रो के लिए कंक्लूजन आप कर सकते हैं कि अगर आपको जीएससी में प्रो के लिए करना है, बस 2 मिनट में खत्म होने वाला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि हंगर को खत्म करना इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन कमेगा, पोटेंशियल यूटिलिटी है, तो इसको कंसिडरेशन ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा ही छोड़ देना चाहिए। और दूसरा है कि एंटी में कि कार्टिजेना प्रोटोकॉल है अपना, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी पे बोला गया है, SDG में एक ये भी है कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, तो एक SDG तो हंगर को तो हम अवॉइड कर रहे हैं, एंड दूसरा जो SDG है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और कंसर्न से कि ड्यू डिलीजेंस हड़बड़ी में मत कर दो, आपको पता नहीं कि कल को क्या हो जाएगा, और जीएम में हम कूद गए उसके बाद फिर वापस जाना डिफिकल्ट है, राइट, क्योंकि ये टर्मिनेटर जीन्स ये सब है।
अल्टीमेटली जो एक लास्ट टॉपिक हमारा एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसके बाद ये पूरा एग्रीकल्चर जितना मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ भी और नहीं आता एग्रीकल्चर से, अब आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो एग्रीकल्चरल रिसर्च में आईकार जो है एपेक्स बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसका बेचारे का हालत बहुत लुलुआ हो गया है, वो पूरा डिसमल स्टेट में है, बहुत नाजुक है भाई। देन फॉरेन एमएनसीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, फेमिनाइजेशन हो एग्रीकल्चर का हो चुका है, उसका भी ये नहीं देखना है। वीमेन साइंटिस्ट बहुत कम है, 1/4 है। एक स्कीम भी चला रही थी ना सरकार, इफ एनीवन रिमेंबर्स, मुझे तो याद है, देखते हैं किसको याद है, कि साइंटिस्ट में वीमेन का नंबर बढ़ना चाहिए और प्रीलिम्स इसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये सब याद होना चाहिए। किसको याद है कौन सा स्कीम है, देखते हैं कौन कमेंट करता है। देन एग्रीकल्चर रिसर्च में यार ऑटोनोमी बढ़ना जरूरी है, एंड देन फंडिंग का भी इशू है कि बहुत 1% से कम GDP का यार उसको फंडिंग दें, हम क्या रिसर्च करेगा। बट प्रॉब्लम है कि पैसा इतना इंडिया में पॉपुलेशन नहीं है कि सब चीज़ को कम ही मिलता है, हेल्थ को कम मिलता है, सब चीज़ को कम मिलता है। बट आपको प्रॉब्लम गिनाना है तो आप प्रॉब्लम तो गिनाएंगे ही, राइट। सो देखते हैं कौन आंसर देता है कि जो साइंटिस्ट वाले में वीमेन के लिए जो स्कीम था वो क्या है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन क्या है कि हायर यील्ड होना चाहिए, अगर अच्छा रिसर्च होगा। सॉल्यूशन जस्ट इसका रिवर्स कर दो, आईकार का इंप्रूवमेंट करो। किरण है, वेरी गुड स्पर्स, वेरी वेरी गुड। और जो किरण मिशन चल रहा है तो वही है कि किरण जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, एग्रीकल्चर को एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल कर दो। जो अभी 12 पिलर्स घोषित किया गया है ना इकोनॉमी के, 12 पिलर्स, उसमें एग्रीकल्चर को भी लाया जाए, उसमें देखा जाए एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी को, एक नीति आयोग ने, देन हमें मिशन मोड में करना होगा, एग्रीकल्चरल रिसर्च को ध्यान देना होगा, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लाना पड़ेगा, कोलेबोरेशन करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन करना पड़ेगा, जो MOOC होते हैं वो कोर्सेज ऑफर करने होंगे एग्रीकल्चर के, इसी तरह से बना बना के आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको वीमेन साइंटिस्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, मोर ऑटोनोमी UGC को, हमें वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस, मोर फंडिंग, वही सब जो प्रॉब्लम होता है बेसिक इंस्टीट्यूट का। द फाइनल इसकी रिसर्च अच्छा होगा तो क्या फायदे होंगे, तो बेटर रिसर्च विल लीड टू हायर यील्ड, प्रीमियम प्रोडक्ट। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत लोगों में चलन चल रहा है हम ऑर्गेनिक खाएंगे, हम ये प्रोडक्ट खाएंगे, देखते होंगे आपकी ये ऑर्गेनिक दाल ले रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक फूड खा रहा है बड़ा, कि हम तो हेल्थ कॉन्शियस हो गए अब तो हम यही खाएंगे। तो प्रीमियम प्रोडक्ट का एक नया नीश मार्केट डेवलप हो रहा है, खासकर मल्टीनेशनल मल्टी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, सॉरी सो उन जैसे मुंबई और दिल्ली में बहुत पिक ऑन द राइज है कि हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, ये है वो, ये वाला दाल नहीं खाएंगे। लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है बोल बोल के कि ब्राउन ब्रेड खाओ, ब्राउन ब्रेड खाओ, ये वो जैसे तैसे करके। सो उसका मार्केट जब है तो आप प्रीमियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए, समझे, इलाइट कस्टमर्स के लिए। रिसर्च अच्छा होगा तो आप वैसे प्रीमियम प्रोडक्ट की ढूंढ सकते हैं। यील्ड को इम्प्रूव कराना आपका एक स्कीम होना चाहिए। GM क्रॉप पे इतना साल से इतना अनसर्टेनिटी, आप अच्छा रिसर्च करके तुरंत उसको कंप्लीट क्लियर करिए। सीरियल्स के बियॉन्ड देखिए, ऐसे क्रॉप्स हैं, मिलेट्स हैं, ये चीज़ें हैं जो कि हमें बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं, जो रफेजेज हैं खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, ब्रोकोली और ये सब जो चीज़ें हैं उन सब का प्रोडक्शन होना चाहिए। इन्वायरमेंटल हैजार्ड देखिए कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों लाना जरूरी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों जरूरी है। शेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली कि कस्टमाइज रिसर्च होना चाहिए। कस्टमाइज रिसर्च का मतलब है कि बंगाल के फार्मिंग का पैटर्न अलग है पंजाब से, अलग है महाराष्ट्र से, अलग है आंध्रा से। सो कस्टमाइजेशन होना चाहिए कि सॉइल के लेवल के हिसाब से क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दिस थिंग्स हैव टू बी लुक्ड एट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। आई होप यू आर नाउ वेरी क्लियर वाई आई से दैट दीज आर गोल्डन सोर्स ऑफ माई नोट्स, दीज नोट्स हेल्प मी, एक्सटेंसिव कवरेज इज देयर, इफ यू यूटिलाइज इट, इफ यू सी द वीडियो, आई वुड से आई नेवर सेट दिस टू एन फॉर एनी वीडियो, बट आई वुड डेफिनेटली से कि आप एग्रीकल्चर के वीडियोज़ को 2-3 बार देखिएगा और एक बार पेन पेपर लेके आराम से स्लोली स्लोली रोक रोक के देखिएगा, समझिएगा, दिस वीडियोज़ विल प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर NABARD, फॉर RBI एंड ऑल्सो फॉर योर UPSC SA एंड एवरीथिंग, क्योंकि एक SA तो एग्रीकल्चर से आना ही आना है और एक दो तीन चार क्वेश्चन तो आपको इकोनॉमिक्स 3 और एथिक्स में भी सम एक्सटेंट एंड सोसाइटी में बहुत सारे जगह पे आने आने के चांसेस हैं। जिनका एग्रीकल्चर वाला ऑप्शनल है उनको भी थोड़ा मोड़ा फायदा हो सकता है। और आई थिंक दैट्स इट, आई एम ऑलरेडी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम माई मम्मी, सो आई हैव टू गो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड आज और कोई वीडियो नहीं होगा, ठीक है। ऑलरेडी द वीडियोज आर देयर ऑन द यूट्यूब, इफ यू फाइंड देम इफेक्टिव प्लीज शेयर दिस वीडियो एटलीस्ट विद योर फ्रेंड्स एंड जो भी तैयारी कर रहे हैं। आई होप दिस वीडियो एटलीस्ट दिस एग्रीकल्चरल सीरीज विल बी वेरी इफेक्टिव। भाई भाई पंखा चल गया यार।